मैं समझना चाहता हूँ कि किस घटिया समाज के मानसिकता वाले लोग हो आप, रक्षाबंधन मनाओगे? रक्षाबंधन मनाओगे? अपनी बहन से राखी बंधवाओगे, दूसरी बहन को बलात्कार करोगे? हमारे देश में लड़कियों को सुधरने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को ज्यादा कपड़े कम कपड़े पहनने वाली बात पे कड़ी टोकना चाहिए। हमारे देश में जो लड़के हैं ना वो कुत्ते हैं। सड़क पे चले जाओ, औरतों को ताड़ रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं। है? किसने सिखाया? तुम्हारे बाप ने सिखाया? नहीं, आप भी, आप ऐसा मत सोचिएगा ये वीडियो देखने वाले कि आप बहुत दूध के धुले हैं। दिन में कम से कम दो लड़कियां ताड़ते हैं आप। कैलकटा के राधा गोविंद कार हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही मेडिकल की छात्रा के साथ घिनौने बलात्कार के बाद उसके मर्डर की चर्चा पूरे देश में चल रही है। आइए मिलवाता हूं मैं उस आदमी से जो इस मामले का प्राइम अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड भी है और अब तक का यही अक्यूज्ड है। मिलिए, इस आदमी का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कलकत्ता पुलिस ने। वो बात और है कि सीबीआई को जांच जा चुकी है, कलकत्ता हाई कोर्ट इस पे सख्त है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है, 20 तारीख को सुनवाई डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं जो आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं वो शायद मीडिया के इन छोटे मोटे क्लिप्स में नहीं चलती। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, सुनिएगा, और जिन्हें गहराई में ना जाना हो वो इजाजत ले सकते हैं। संजय रॉय कौन है? ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उस लड़की के बलात्कार और मर्डर केस में कलकत्ता में। संजय रॉय ने बहुत बड़ा खेल खेला है। कौन है संजय रॉय जानते हैं? संजय रॉय कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में एक सिविक वॉलंटियर है और अच्छे खासे ओहदे पर है। 2019 से वो इस काम में पुलिस का मददगार है। मान के चलिए कि ये बहुत क्लियर है कि कलकत्ता पुलिस की चौथी बटालियन जहां रहती है उसमें इस आदमी को रहने के लिए जगह भी दी हुई है, और ये कई बार आरजी कार अस्पताल जहां पे ये हुआ है वहां पोस्टेड भी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरजी कार में बहुत बार ये कई लंबे अरसे तक पोस्टेड रहा, जो बाहर बीट होती है पुलिस की उसमें, और इस वजह से उसे अस्पताल के अंदर जाकर के कोने कोने को देखने, समझने, लोगों से वाकिफ होने का पूरा मौका बरसों से मिला। ये आदमी पुलिस वेलफेयर बोर्ड जो होता है उसमें भी है, 14 मेंबर की सेंट्रल कमिटी जो होती है पुलिस वेलफेयर बोर्ड की उसमें भी है। और अगर ये आदमी उन बोर्ड मेंबर्स में से अगर ये आदमी किसी सुझाव को मना कर दे तो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर तक हो जाते हैं। संजय घोष, इस आदमी को सरकार से रोज 5 लीटर तेल मिलता है पुलिस मोटरसाइकिल और अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल आदमी है। आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख पा रहे हैं ये इसकी जो बाइक है इस पे पुलिस का स्टिकर, और ये आदमी देख रहे हैं बड़ा पावरफुल आदमी है कलकत्ते का। इसमें ये मालूम चला है कि संजय रॉय, इसका नाम है संजय रॉय, इसके खिलाफ पहले भी कई मामले हैं, फिरौती, डराना धमकाना और महिलाओं को खास करके प्रताड़ित करना। संजय रॉय के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। कमाल की बात तो यह है कि यह आदमी पुलिस की फोर्स में साथी है, लेकिन इस पे दो ऐसे घिनौने कांड पहले दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस में यह सहायक है। 2022 में इस आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा पीटा था, यह पुलिस को पता है, पुलिस के अंदर केस है। और बाद में एक फीमेल डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया था अभी कुछ हफ्ते पहले, यह भी कलकत्ता पुलिस को पता है। इसके बाद भी ये आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इतनी घिनौनी मारपीट करता है फीमेल डॉक्टर को, उसके बाद भी ये खुला घूम रहा था।
और ना सिर्फ खुला घूम रहा था, ये वहां पोस्टेड था। इसके खिलाफ और भी बहुत सारी शिकायतें हैं, श्याम बाजार पुलिस आउटपोस्ट, ताला पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत कुछ है, मतलब क्या गिनाऊं मैं, लेकिन इसकी काफ़ी पहचान भी है। माना जाता है कि हाल में जो ताला पुलिस स्टेशन के आउटपोस्ट से ट्रांसफर हुए हैं 6 लोगों के, वो इसी ने करवाए हैं। अब आप सोचिए, संजय रॉय जैसा ताकतवर आदमी हमारे देश में क्या नहीं कर सकता। आप अगर अपने समाज में, अपने शहर में, अपने राज्य में देखेंगे ना, संजय रॉय जैसे बहुत सारे घूम रहे हैं, कुछ तो राजनीति में भी हैं, घूम रहे हैं ना, समझ गए ना। आंख बंद करके सोचिएगा, एक मिनट के लिए सोचिएगा, इतने पावरफुल घिनौने बदमाश क्या आपके शहर, इलाके, जिले में नहीं है? है। और पुलिस इनका या प्रशासन का क्या कर पाती है? कुछ नहीं। ये मैं लिस्ट पूरी गिनता जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कि ये एक धंधा चलाता था इसी हॉस्पिटल के बाहर, ये संजय रॉय, जिसमें ये वहां जो गरीब लोग आते थे उनको एडमिट करने के नाम पे पैसे लेना, ब्राइब, डिस्काउंट दिलाने के नाम पे बिस्तर पे रिश्वत लेना, ये सभी काम सब पता है। कैलकटा पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई, कैलकटा पुलिस ने जो कुछ बताया वही सब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कमाल ये कि ये सब कैलकटा पुलिस जानती थी तो फिर भी ऐसे गिनौने गंदे आदमी को, जैसे आपके शहर में घूम रहे वैसे वहां भी ये घूम रहा था। अब ये पता करते हैं कि फंसा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जिस सेमिनार रूम में वो लड़की की लाश मिली, वहां पे एक टूटा हुआ ईयरफोन मिला था, टूटा हुआ ईयरफोन। बहुत ध्यान से, मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं मचाऊंगा। जिस सेमिनार हॉल में बेचारी की लाश मिली, उसमें एक टूटा हुआ ईयरफोन का टुकड़ा मिला, जो कि थर्ड फ्लोर पे है, इमरजेंसी बिल्डिंग उस हॉस्पिटल की, वहां पे। और इसी चीज ने संजय रॉय को फंसाया। आइए समझते हैं कैसे और क्या क्या हुआ। देखिए, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग में, याद रखिएगा उसी के थर्ड फ्लोर पे ये सेमिनार रूम था, करीब सुबह 4 बजे एक ब्लूटूथ डिवाइस पहने हुए, जो यहां कान में पहनते हैं ऐसे लटका हुआ होता है, वो करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल होता हुआ संजय रॉय दिखा सीसीटीवी में। लेकिन 40 मिनट के बाद जब वो बाहर जाता हुआ दिखा बिल्डिंग से, तब ये ईयरफोन डिवाइस उसके पास नहीं था। ठीक, यानी कि सुबह 4 बजे जब ये बिल्डिंग में एंटर करता है तो इसके पास एक ईयरफोन डिवाइस था जो ऐसे कान में लगाते हैं, लटका हुआ होता है, और 40 मिनट के बाद जब ये बाहर निकलता है बिल्डिंग से, तब सीसीटीवी कैमरा में वो डिवाइस नहीं दिखता। बाद में जब ये डिवाइस पकड़ा गया तो उसकी जो पेयरिंग होती है, ब्लूटूथ पेयरिंग, वो इसी के सेलफोन से पाई गई थी। अगर ये ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होता तो ये पकड़ा भी नहीं जाता। अब समझते हैं कि उस शुक्रवार की रात हुआ क्या। राधा गोविंद कार अस्पताल, आरजी कार अस्पताल, कैलकटा, शुक्रवार की रात, आधी रात के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही ट्रेनी डॉक्टर, नाम ले की जरूरत नहीं है, अपने 4 साथियों के साथ, कलीग्स के साथ जो पढ़ रहे हैं, वो खाना ऑर्डर करते हैं और डिनर करते हैं सेमिनार रूम में। ये वही रूम है जो इमरजेंसी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे है। और ये खाना खाते समय टीवी पे नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल जीतते हुए उसे देख रहे थे। खाना खाने के बाद इनके साथ जो 4 इनके साथी थे, कलीग्स थे, वो चले गए और ये अकेली उस कमरे में, सेमिनार रूम में अपनी पढ़ाई करने बैठी। उसने अपनी जो कामकाजी ड्यूटी थी वो अपने कलीग्स को हैंडओवर की और सेमिनार हॉल में करीब 2 बजे तक वो पढ़ाई करती रही। 2 बजे के आसपास हॉस्पिटल से कोई सेमिनार हॉल में आया और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में इससे डिस्कस किया। अब यही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पुलिस से भी और आरजी कार से, आधिकारिक स्टेटमेंट्स बता रहा हूं मैं आपको, कि पुलिस ने बताया कि सुबह यानी कि मुंह अंधेरे 2:35 2:35 AM इस लड़की के किसी कजन ने मैसेज करके पूछा तो इसने जवाब दिया कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन।
3 बजे के आसपास सुबह हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने इसको अकेले लाल ब्लैंकेट के नीचे लेटे हुआ सेमिनार हॉल में देखा। माना जाता है कि इसके बाद संजय सेमिनार हॉल में संजय रॉय आता है। 3 बजे के आसपास ये सो रही थी, ब्लैंकेट लाल कलर का था, ओढ़ के सो रही थी। 4 बजे के आसपास फिर संजय रॉय इसी सेमिनार रूम में आता है और इसके हाथ पैर पकड़ के, मुंह पे हाथ से दबा करके, जो भी चीज़ मुंह पे हाथ बीच में रख के ताकि आवाज़ ना निकल पाए, गला दबा के इसका सेक्सुअल असॉल्ट करता है। हिंदी में रेप कहते हैं, बलात्कार। जब इस औरत को पाया गया दूसरे दिन तो मिला कि इसके जो चश्मे थे टूटे हुए थे, नज़दीक में लैपटॉप रखा था और ऐसा लग रहा था कि इसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। इसकी आंखों में दोनों में ब्लड क्लॉटिंग थी, साफ दिख रहा था कि मुंह पे किसी ने जबरदस्ती कुछ रख के इसका मुंह दबाया है और दीवार के खिलाफ, दीवार से टकराया है सर वगैरह, जिससे उसके चेहरे पे चोटें आईं। साथ ही साथ जिन लोगों को थोड़ा मेडिकल ज्ञान है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग मिली। इसका मतलब यही होता है कि जो हमलावर था उसने गर्दन बहुत जोर से दबाई थी। इस लड़की के चेहरे पे नाखून के निशान हैं, शरीर पे अन्य जगह नाखून के निशान हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसका मुंह दबाने की और किसी ने, हमलावर ने इसके ऊपर अपने पंजों से, हाथों से लड़ाई जैसा सीन जिसके निशान मिले। सुबह 7:30 बजे इसके शरीर, लड़की की डेड बॉडी हॉस्पिटल वालों को दिखती है। नज़दीक में एक बंद लैपटॉप मिलता है जो उसके सर के पास था, एक डायरी थी, एक मोबाइल फ़ोन रखा था और एक प्लास्टिक की पानी की बोतल थी जो गिरी पड़ी थी। अब इसको हम, जिसको लीगल लैंग्वेज में कहेंगे या अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज में कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि कब क्या उसके बाद हुआ। सुबह 9:30 बजे, याद रखिए कि ये चीज़ जो है, डेड बॉडी सुबह 7:30 बजे अस्पताल प्रशासन को मिली, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे एएसपी साहब, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब ने विक्टिम यानी लड़की के माँ बाप को फ़ोन करके बताया कि लड़की ने सुसाइड किया है। सुबह 10:10 पे इंस्पेक्टर इंचार्ज उस आउटपोस्ट का, उसको बताया जाता है। 10:30 बजे तला पुलिस स्टेशन अपने सीपी, डीसीपी, जेसीपी, एडिशनल सीपी सबको अलर्ट करती है। 11:30 बजे पुलिस ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक के वहाँ पहुँचते हैं। 1 बजे के आसपास दोपहर लड़की के माँ बाप को देखा जाता है कि वो पहुँचे हॉस्पिटल। इस समय फॉरेंसिक टीम सेमिनार रूम का एग्जामिनेशन कर रही है, क्राइम सीन का। शुरू में माँ बाप ने कहा कि उनको पुलिस ने घंटों तक अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1:10 पे माँ बाप जो हैं उनको अंदर जाने दिया गया और बाकी स्टूडेंट्स के साथ बॉडी को आइडेंटिफाई किया इत्यादि। दोपहर 3:55 पे लड़की के बाप ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुला करके उनके सामने सारी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कराने की रिक्वेस्ट की। 4:20 पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं और वीडियोग्राफी वगैरह सब कंडक्ट करते करवाते हैं और उस सारी जानकारी पे, जिसको इंक्वेस्ट कहा जाता है, लड़की की माता जी साइन करती हैं। 5:30 शाम को बॉडी को वहाँ से हटाया जाता है। इस समय तक लगभग 10 घंटा बॉडी वहाँ पे थी और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शाम को 6:10 से शुरू होता है पोस्टमार्टम और 7:10 पे ख़त्म होता है। पोस्टमार्टम में क्या मिला? ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर रात को आती है, उसमें बलात्कार कंफर्म किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मल्टीपल साइंस ऑफ इंजरीज हैं, मतलब बहुत सारी जगह चोट लगी हैं और स्ट्रगल किया था लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए, उसके निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे पे, आँखों में खून के धब्बे मिलते हैं, स्क्रैच मार्क्स मिलते हैं यानी कि नाखून के निशान मिलते हैं और बॉडी में कई जगह से ब्लीडिंग होती है, प्राइवेट पार्ट मिला करके, लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई थी।
मृत्यु का कारण बताया जाता है कि गला दबाने और मुंह बंद करने से सांस ना ले पाने से हुई। लड़की का मुंह गला लगातार दबाए रखने की वजह से, ताकि वो चिल्ला ना पाए, उसके गले को दबाए रखने से सांस नहीं ले पाने की वजह से, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन की वजह से, उसकी थायराइड कार्टिलेज टूट गई थी। ऑफ कोर्स सांस भी नहीं ले पाई और मृत्यु हुई। बहुत सारी जगहों पे चोटों के निशान, गले पे, आंख पे, मुंह पे, और हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहां तक एक इंफॉर्मेशन बताई गई है कि क्योंकि लड़की सो रही थी उस समय जब उस पर हमला हुआ और किसी ने ओवरपावर किया, यानी कि संजय रॉय, तो जो हमलावर था उसको एक एडवांटेज पॉइंट मिला कि लड़की सो रही थी, इसलिए बड़ा आसानी से उसको कंट्रोल कर लिया। स्वाभाविक है, जग रही होती तो शायद ना कर पाता। लेकिन कुछ बातें और भी क्लियर हुई हैं जो मीडिया में गलत चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्रैक्चर या हड्डी टूटने का निशान नहीं मिला, शरीर का कोई भी हड्डी नहीं टूटा। कॉलर बोन के बारे में कह रहे थे, पेल्विस के बारे में जो नीचे के भाग होते हैं वहाँ की हड्डियों के बारे में, ये सब मीडिया में चल रहा था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम में कोई भी हड्डी टूटी नहीं मिली। फॉरेंसिक फाइंडिंग्स के अंदर अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग इन द सेंस लीगैलिटी के हिसाब से मैटर को समझते हुए, कि जो फॉरेंसिक फाइंडिंग्स हैं संजय रॉय पे, उसमें संजय रॉय के शरीर पे नाखूनों के निशान मिले हैं कई जगह पे। और जब उसका पड़ताल किया गया नाखूनों के निशानों का जो संजय रॉय के शरीर पे मिले, तो स्किन और ब्लड सैंपल जब टेस्ट किया गया, जो लड़की का था, लड़की के ऊपर निशान थे, लड़के का संजय रॉय का था, संजय रॉय के जो निशान मिले तो मैच कर गए। यानी कि वो ईयरफोन का मिलना, वो ईयरफोन की ब्लूटूथ पेयरिंग संजय रॉय के मोबाइल से होना, लड़की के शरीर पे नाखूनों के निशान और संजय रॉय के शरीर पे नाखूनों के निशान, लड़की के नाखून के अंदर मिली ब्लड और स्किन के बहुत बारीक टुकड़े संजय रॉय से मैच कर गए। संजय रॉय। कुछ बातें और मालूम चली हैं कलकत्ता पुलिस से, जो एक सोशल मीडिया पे बहुत जगह चलने लगा था कि 150 मिलीलीटर वीर सीमिन लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर मिला है, वो गलत है। उतना तो पॉसिबल भी नहीं है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मीडिया में भी चला और सोशल मीडिया में भी लोग लिखने लगे, लेकिन वो कंफर्म हुआ है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतना सारा हो उसके अंदर, क्योंकि लोगों ने तो यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया था कि तीन अलग लोगों का था। पहली बात तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में देखने से नहीं मालूम चलता कि तीन लोगों का है कि दो लोगों का है, वीर वीर होता है, लेकिन वो क्वांटिटी को डिनाई किया गया है कि इतनी सारी क्वांटिटी नहीं थी। साफ कहा गया है कि भाई एक एडल्ट मेल क्या कर सकता है, कितना इजैकुलेट कर सकता है, वैसा ही है, इतना सारा इम्पॉसिबल बातें थी, पता नहीं क्यों चल रही थी, बट ठीक है। दूसरा, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि महिला का कॉलर बोन, लड़की का कॉलर बोन, ये होता है कॉलर बोन हड्डी, ये टूटी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो पेल्विक ग्रिडल होती है वो टूटी है, ऐसा भी नहीं था, कोई भी ब्रोकन बोन्स नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। एक क्लेम था, क्लेम इन द सेंस ये कहा गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि कोलकाता पुलिस ने लड़की, मृत लड़की विक्टिम के पेरेंट्स को, माँ बाप को फोन करके ये बताया गया, जो आपने वीडियो में पहले सुना भी था, कि लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने, मां बाप ने यह कंफर्म किया है कि उन्हें पुलिस से कोई ऐसा कॉल नहीं आया था, इसलिए वो भी र्यूमर था। एक और बात आई थी बीच में, चल रही थी, कि पैसा देकर के मामला खत्म करने की बात, लेकिन लड़की के मां बाप ने वो भी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं। बहुत घिनौना अपराध है, संजय रॉय एक पुलिस से मिला हुआ आदमी है, अपने पोजीशन का गलत फायदा, तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, इतना घिनौना इस्तेमाल करना।
और वो भी एक इतिहास में प्रूवन आदमी के, इतना गंदा, इतने घिनौने काम करता है। कैलकटा पुलिस को क्या दिखा कि इस जैसे को अपने आउटपोस्ट में इतने समय से रख रहे हैं, और इतना नहीं, मतलब मैं सिर्फ कैलकटा पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश में हर 16-17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा कम से कम 70-80 लोग कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे होंगे कि बलात्कार करना है। अगर ये वीडियो 10 मिनट का है तो कहीं ना कहीं जब तक ये वीडियो खत्म होगा शायद किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती शुरू हो चुकी होगी, बलात्कार होने वाला हो या हो चुका हो। हमारे देश में 16 मिनट 17 मिनट में एक बलात्कार होता है, न जाने कितने तो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं। ये तो आंकड़े वो हैं जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स में से हमको मिलता है, एनसीआरबी से, सच्चे हैं गलत हैं वो तो कोर्ट डिसाइड करता है। हमारे देश के अंदर तो अनगिनत चीज़ें तो पुलिस तक पहुंचती नहीं है, न्यायालय तक पहुंचती नहीं है, हॉस्पिटल तक पहुंचती नहीं है, क्या है? किस प्रकार के सभ्य समाज के लोग हो? मैं आज किसी भी राज्य में किसकी सरकार है, किस पार्टी के बलात्कारी नेता होते, ये सब नहीं बात करना चाहता। मैं तो आप लोगों को समझना चाहता हूं कि किस घटिया समाज के मानसिकता वाले लोग हो आप। रक्षाबंधन मनाओगे? रक्षाबंधन मनाओगे? अपनी बहन से राखी बंधवाओगे, दूसरी बहन को बलात्कार करोगे? हमारे देश में लड़कियों को सुधरने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को ज्यादा कपड़े कम कपड़े पहनने वाली बात पे कड़ी टोक आना चाहिए। हमारे देश में जो लड़के हैं ना वो कुत्ते हैं। सड़क पे चले जाओ, औरतों को ताड़ रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं, हैं? किसने सिखाया? तुम्हारे बाप ने सिखाया? नहीं, आप भी, आप ऐसा मत सोचिएगा ये वीडियो देखने वाले कि आप बहुत दूध के धुले हैं। दिन में कम से कम 2 लड़कियां ताड़ते हैं आप, ताड़ते हैं ना? क्या क्या देखते हैं मैं बताऊं? जानते हैं आप, समझ गए थी देर में, क्योंकि आप ऐसे समाज की देन है। अरे नहीं, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस के अरे भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बढ़िया संस्कार है। ये है संस्कार तुम्हारे भारत के, मेरे भारत के? चूतिया बनाते, ये राजनीति वाले लोग है वो ज्यादा ये खींचते हैं कि भाई हमारे देश के बहुत अच्छे संस्कार हैं, वो पोंगा पंडित जितने मंदिर में बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, ये लोग खींचते हैं। हम नहीं, हम मुंह पे बोलते हैं, बड़े घटिया संस्कार और समाज के रहने वाले लोग हो तुम। यस, औकात हो तो मेरे पे केस करना, थूक भी नहीं पाओगे मेरे पे और मैं तुमको बाढ़ में बहा दूंगा। जा कर, जिसको लगता है कि मैंने भारत के खिलाफ बोला। तुम साले घटिया संस्कार वाले, दिन रात औरतों का बलात्कार करने वाले, हमको संस्कारों की बात करोगे? जा कर दे मेरे पे केस, देख लूंगा मैं। और हाँ, जो पुलिस वाला ये वीडियो देख करके सोचे कि हाँ भैया आपने तो बहुत गलत बोला, तो अपने मुंह पे 2 तमाचे मार लेना। ये बलात्कारियों के बचाव में सच्चाई से मुंह फेर, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। और हां, मैं एक अंतिम बात बता दूं, बलात्कार करने वाले बाहुबली नहीं होते हैं, छक्के होते हैं, नपुंसक। यस, मानसिक तौर पे बीमार, घटिया, असंस्कारी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मां बाप ने उनको यही सिखाया होता है। यस, हर बलात्कारी के पीछे जो उसका कारण है वो उसके मां बाप के दिए हुए संस्कार है। उसके मां बाप भड़वे थे इसलिए वो भड़वा पैदा हुआ, उसके मां बाप के संस्कारों की वजह से। गो अराउंड, देखो संसार में, समाज में, देखो, देखो। अब बुरा लगे तो मेरे खिलाफ FIR करना, 1-2-3 तुम्हारी। समाज को सुधारना है तो अपने घर को सुधारो, दूसरों की बहन बेटियों से दूरी रखो। नजरें नीची कर माधर भगत, नीचे कर, सिर्फ वीडियो में नहीं अपनी जिंदगी में भी।